हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। और वो है मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर रीजन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सर्कुलर रीजन में होगा। इस सर्कल से बाहर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी नहीं है, ठीक है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इस सर्कल के अंदर ही है। तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है और ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये समय पर डिपेंडेंट है। और मान लीजिए दिया गया है कि dV/dt इस कांस्टेंट के, यानी के रेट से मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल में बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इस एरिया में बढ़ेगा तो इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी बढ़ेगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा। तो फैराडेज लॉ के मुताबिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो एक EMF जनरेट होगा, एक यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जो कि दिया जाता है किस फॉर्मूला से, E=-dΦ/dt। ये फैराडेज लॉ है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आप एक और चीज़ पढ़े होंगे कि इस ये EMF क्या है एक्चुअली में, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। और आप पढ़े होंगे कि dV/dl विद अ माइनस साइन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। NCERT में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, इसी लाइन का वो मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आप कि आप लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E·dl। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E·dl का एक क्लोज लूप में इंटीग्रेशन। अब इसका क्या मीनिंग है देखिएगा। अच्छा, तो इसी V को हम E भी लिख सकते हैं, EMF, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मिला दिया जाए, E इज इक्वल टू -dΦ/dt और E इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E विद अ माइनस साइन, तो क्या मिलेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ E·dl इज इक्वल टू dΦ/dt, है ना। और वैसे dΦ/dt क्या होता है, फाई क्या होता है, B एरिया और इन दोनों का डॉट। अब B A cos थीटा में अगर आप तोड़िएगा तो थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A, तो एरिया भी अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है, इसलिए वो थीटा 0 हो जाएगा। तो ये डॉट का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर dV/dt ऑफ B इंटू A लिख सकते हैं बस। और इधर क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ E। तो यहाँ पर देखिएगा ये एरिया तो फिक्स है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए एरिया को बाहर ले आइए और अंदर रहने दीजिए dV/dt, ठीक है। तो क्या हो गया, A इंटू के, ठीक है। अभी के जो है हम यहां पर पर्टिकुलरली लिखे हैं कि के है करके, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात जानिए। मान लीजिए कि एक सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए है इस तरह से, सर्कुलर रीजन में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कल से बाहर नहीं है, ठीक है। और इस सर्कल का मान लीजिए रेडियस है कैपिटल R। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए चेंज किया जाए, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ टाइम फंक्शन, तो इसके आसपास, इसके अंदर, इसके बाहर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा,
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब निकलता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ होगा। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ओपन लूप बनाता है, लेकिन बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। समझे आप, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक क्लोज लूप बनाएगा, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया, तो थंब रूल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू आर एंड बी दोनों। तो अगर आप इसी आर पे मान लीजिए कोई और पॉइंट लिए होते, यहाँ पर लिए होते मान लीजिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखिएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर अगर देखिएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर आप देखिएगा तो इस डायरेक्शन में होगा। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, मैं आर का कलर चेंज कर देता हूँ, ये मान लीजिए आर है डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे इधर, 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 इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए फ्री हैंडेड कर्व से, तो आप देखिएगा कि एक सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। समझे, इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, यानी ये आर अगर थोड़ा और बड़ा हुआ होता तो एक ऐसा सर्कल बनता, थोड़ा और बड़ा हुआ होता तो ऐसा सर्कल बनता। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्लोज लूप बना सकता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स मे फॉर्म क्लोज्ड लूप अनलाइक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक रीजन के अंदर ही नहीं, मैग्नेटिक रीजन के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझे, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सवाल ये उठता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिफरेंस है क्या, यानी जितना दूर आप जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इस सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर इस डिस्टेंस पर डिपेंडेंस कैसा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक सर्कुलर लूप बना देते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चेंज कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप चेंज कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होगा। बहुत बड़ा स्टडी है ये, दोनों अगर इन फेज चेंज हो जाए तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म हो जाता है। ये सब बात का पढ़ाई है, बट इतना ध्यान में रखिए कि दोनों एक दूसरे पर टाइम डिपेंडेंट है। तो सपोज कीजिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वही फिलहाल यूनिफॉर्मली चेंज करते हैं इसको, डीवी बाई डीटी इज इक्वल टू के रखते हैं। और मान लीजिए अंदर कोई भी पॉइंट पर, ये पॉइंट पर मान लीजिए हमसे पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर से छोटा आर है और इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आर और बी दोनों पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। समझे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सर्कल हमें यहाँ पर बना लेना चाहिए, ये एक लूप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप हो जाएगा। और हमने देखा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मीनिंग होता है लूप भर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कीजिए, इज इक्वल टू क्या निकला था, एरिया इंटू डीबी बाई डीटी यानी कि के, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए इस लूप में आप कहीं डीएल ले लीजिए, यहाँ पर आप कहीं डीएल ले लीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर तो यहीं पर मैं डीएल ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पार्ट को अगर आप देखिएगा तो ये सर्कल है, यहाँ पर मैंने डीएल लिया है, तो डीएल भी इधर ही है
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो ये डॉट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्या बचेगा, ई डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया इंटू डी वी बाई डी टी। अब देखिए डी एल का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आएगा आपका इस सर्कल का, ग्रीन वाला सर्कल का सर्कम्फ्रेंस। और इंटीग्रेशन करने से पहले हमको एक बार देख लेना चाहिए कि डी एल अगर हम कहीं भी लिए होते तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता कि नहीं, बिल्कुल सेम आता, डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आता, तो इसलिए इंटीग्रेशन साइन से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एरिया इंटू के। ठीक है, तो फिर मैं अभी डी एल का इंटीग्रेशन की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2πr। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डिस्टेंस है r, तो ये डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2πr। और देखिए एरिया आपको उतना ही लेना है जितना लूप के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, तो पाई इंटू छोटा आर का स्क्वायर, समझे, आपको सिर्फ इतना ही एरिया लेना चाहिए जितना लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज्ड है। तो एक एक आर कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है आर इंटू के बाई टू, के तो कॉन्स्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सर्कुलर रीजन के अंदर रहेंगे तो डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ गए, यानी एकदम बाउंड्री पे अगर आप देखिएगा एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो आपको ये फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है, इस आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दीजिए, तो ई इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू के बाई टू, ये हो गया आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बाउंड्री। अब बाउंड्री से अगर बाहर निकल जाएंगे, अगर हम बाउंड्री से मान लीजिए बाहर निकल जाते हैं, यहाँ अगर चले जाते हैं, ये डिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो यहाँ भी आप एक सर्कल बना सकते हैं इस तरह से, है ना, तो वहां पर अगर हम डीएल लेंगे तो डीएल का डायरेक्शन ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। देखिए डीएल कहाँ लेना है, लूप में लेना है, समझे, और ई और डीएल के बीच का डायरेक्शन एंगल जीरो है, तो यही फॉर्मूला हम इसके लिए भी लगाएंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एल इज इक्वल टू एरिया इंटू के। अब देखिए यहाँ भी डॉट का मतलब नहीं था तो हटा दिए हम ये पॉइंट, ये सर्कल पर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वैल्यू सेम होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल आएगा, और डी एल का इंटीग्रेशन बिल्कुल कितना होगा, 2πr, इस सर्कल का सर्कम्फ्रेंस 2πr। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया यहाँ पे, हमें एरिया कितना लिखना होता है, जितना इस लूप के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए इस लूप के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना है, यानी ये पर्पल वाला है, और पर्पल वाला का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसलिए इस एरिया की जगह क्या लिखना होगा, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू के, समझे, अब तो आर कटेगा नहीं इसलिए पाई कट गया, तो ई कितना हो गया फिर, के बाई टू इंटू ये वाला आर स्क्वायर इंटू वन अपॉन आर। अब के आर स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए कि सेंटर से लेकर अगर हम जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह डिपेंडेंट होगा डिस्टेंस पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर बाउंड्री तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बाउंड्री पर इतना था, और बाउंड्री के बाद अगर आप और बाहर जाते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यानी एक आर अगर हम यहाँ पर लिख दें कैपिटल आर, तो इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, ठीक है, और कितना होगा बाउंड्री पर, इतना होगा के आर बाई टू। लेकिन उसके बाद जब आप चले जाएंगे, व्हेन छोटा आर इज ग्रेटर देन, ये क्या है, छोटा आर ग्रेटर देन आर है, और ये क्या था, छोटा आर लेस देन आर था, और ये क्या था, छोटा आर इक्वल टू आर, तो बाहर चले जाएंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए।